असेंबलियां आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। आम इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं अपने वक्त पर होंगे। पीडीएम क़यादत की पीटीआई चेयरमैन की जानिब से इदारों पर हमलों की मजम्मत। इमरान खान के मुकाबले के लिए नया हुकूमती बयानिया लॉन्च करने का फैसला। लाहौर में अहम तरीन इजलास आसिफ जरदारी फजलुर रहमान और दीगर जमातों के कायदीन की शिरकत। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गौर। लाहौर में पीडीएम क़यादत के इजलास के बाद आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात की रिहाइश गाह आमद। काफ लीग रहनुमा से मुलाकात में सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब की सूरत हाल पर भी मुशावरत। रियासती इदारों पर बार बार और शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को छूट दी जा रही है। पीटीआई चेयरमैन को दिए गए इस्तेस्ना से मुल्क को नुकसान पहुंचा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। हम अपनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। हमदा शहबाज ही मुंतखब वजीर आला है पंजाब। 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन है। रिव्यू पटिशन को फुल कोर्ट सुने और इस पे जल्द अज जल्द फैसला दिया जाए। जो इमरान माफिया है ये चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के ये आईन के साथ छेड़छाड़ करवाए। इमरान खान अंपायर को साथ मिलाकर खेलने के आदि। अदलिया के कंधों पर चढ़कर आईन से छेड़छाड़ की कोशिशें कर रहे हैं। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदालत उज्मा का फुल बेंच। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह पर नजरेसानी अपील की, जल्द अज जल्द समाअत करे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल गैर जानिबदार थे। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन तुम्हें पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगी। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। तुम्हारे पास मौका था जब तुम वजीर आजम थे, लेकिन तब तुम लोगों के तरले मिनते और पांव पकड़ रहे थे कि मेरे इक्तदार को बचा लो, इसलिए तुमने इलेक्शन कॉल नहीं किया। क्योंकि तुम्हारा मसला इलेक्शन नहीं है, तुम्हारा मसला पाकिस्तान की तबाही है। तुम्हारा मसला तुम्हारा फासिस्ट माइंडसेट है। तुम्हारा मसला तुम्हारा मैकियावेलियन माइंडसेट है। तुम्हारा मसला हिटलर माइंडसेट है जो तुम हो। इमरान खान इक्तदार के लिए हुकूमती इदारों पर हमलावर। ये फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, इंतखाबात उसी वक्त होंगे जब हुकूमत चाहेगी। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने 5 सीटें हार दी। मरियम औरंगजेब की गरज बरस। उम्मीदवार ना मिलने से लेकर सख्त मुकाबला करना बड़ी बेहतरी है। पिछले कुछ बरसों से मुस्लिम लीग नून अपनी एक सीट भी नहीं हारी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ा फायदा उठाया। 2018 में बहुत से हलकों से हमारे पास कोई उम्मीदवार भी नहीं था। मरियम नवाज का ट्वीट। रावलपिंडी PP7 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए ठोस शवाहिद नहीं दिए। नतीजे के वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। तहरीरी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 15 सीटें जीतकर कोई तीर नहीं मारा। इन हलकों से इनके अपने ही लोग भागे थे। इमरान खान अनोखे लाडले हैं। सब जानते थे वो मजीद इक्तदार में रहे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मियां इफ्तिखार और अकरम दुरानी की तनकीद। गुज़िश्ता हुकूमत को जमहूरी तरीके से हटाया गया। सियासत में हार जीत होती रहती है। वसीम अख्तर का महंगाई कम करने पर जोर। हमने बॉल अभी तक जो है वो हुकूमत के कोर्ट में रखी है। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है।
उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। 5 MNAs जो इस वक्त ये नीचे की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हुकूमत के 5 से कहीं ज़्यादा MNAs हमारे साथ रबते में। ज़िमनी इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त ने हुकूमती इतिहाद की सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर दी। आम इंतखाबात का सोच कर ही इनकी कांपें टांग रही हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर है, ऑन एंड ऑफ का स्विच हमारे हाथ, जब चाहें इन्हें घर भेज सकते हैं। फवाद चौधरी का 5 हुकूमती MNAs राबते में होने का दावा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अराकीन की शिरकत, हमजा शहबाज की क़यादत पर एतमाद का इजहार, 22 जुलाई के असम्बली सेशन की हिकमत अमली पर मुशावरत, सूबे में ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सियासी सूरत हाल पर भी गौर। '93 से कारकुन की हैसियत से सियासी महाज पर डटा हूँ, अच्छी तरह इल्म है मुकाबला कैसे किया जाता है, न हार अबदी है न किसी जीत को द्वाम है, पाकिस्तान को बचाने और संवारने का मिशन जारी रहेगा, हमजा शहबाज कासम। राणा सनाउल्ला जैसे लोग गलत काम लेते हैं और IB को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बेनकाब करना जो है ये इस वक्त जमहूरियत को मजबूत करने के बराबर है। जो उसका हेड है IB का, ये उसके लिए वार्निंग है। ये ऊंचे हथकंडों पे आ गए हैं। शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था इलेक्शन होने के बाद। इनको IG और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ ये नहीं होना, उनको सजा भी होनी है इंशाल्लाह, ये लिख लेंगे। 5 MPAs की गैर हाजिरी से मुतल्लिक राणा सनाउल्ला का बयान, काफ लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर, वफाकी वजीर दाखला, वफाकी वजीर इत्तलात और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा, ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। परवेज इलाही की मीडिया टॉक। लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहाद के मौजूद हैं असेंबली के अंदर, 186 के ऊपर अक्सरियत हो जाती है। मेरी अव्वलिन तरजीह इस वक्त तो है कि पहले 22 जुलाई पे मेरी निगाहें मरकूज हैं और मैंने पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप को इंश्योर करना है। जब इंशाल्लाह पंजाब एक दफा आ जाता है तो पीछे मुस्लिम लीग नून के पास बचता क्या है सवाए इस्लामाबाद के, तो वो सियासी तौर पर बहुत ही कमजोर विकेट पे चले जाएंगे। 22 जुलाई का इलेक्शन अव्वलीन तरजीह, पंजाब हमारे पास आ गया तो नून लीग कमजोर विकेट पर चली जाएगी, मौजूदा हुकूमत आरजी है, गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना होगा, असद उमर की आज कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर हुकूमती इदारों की मुदाखलत, पंजाब असम्बली ने मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली, अपोजिशन के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल जारी, हमारे अरकान को डरा धमका कर दबाव डाला जा रहा है, राजा बशारत की पेश करदा करारदाद का मतन। नैब तरामीम खिलाफ आइन होने के हवाले से हुकूमत से जवाब तलब, सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर कौमी एहतसाब ब्यूरो और विफाक को नोटिस जारी कर दिया, तरमीम के बाद किसी को फायदा पहुंचाने पर केस नहीं बनेगा, इमरान खान के वकील के दलाइल, वजीर कानून कहते हैं अदालती फैसले हर तरमीम की सपोर्ट में हैं, मखसूस फर्द के लिए बने कानून को कलदम करार दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कानून साजी के वक्त आप क्यों मौजूद नहीं थे, शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार, पार्लिमानी कमेटी में तवील बात हुई थी, PTI रहनुमा का जवाब, समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। गैर यकीनी सियासी सूरतहाल, रुपए का इंतहाई बुरा हाल, डॉलर की बुलंद तरीर उड़ान, इंटरबैंक मार्केट में एक ही रोज़ कदर 6 रुपए 80 पैसे बढ़ गई,
221.99 रुपये पर बंद। ओपन मार्केट में 8 रुपये इजाफे के साथ 224.50 रुपये में ट्रेड। हमारे खिलाफ अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपये पर था। IMF के साथ मुआहिदे के बावजूद आज 224 रुपये तक पहुंच गया। मुआशी तबाही साबित कर रही है, इनको मुल्क चलाने का कोई तजुर्बा नहीं, इमरान खान का ट्वीट। फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। सख्त इक्तसादी और सियासी हालात में IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बज़ाहिर मुश्किल। रुपए की कदर में कमी के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर इस्तेमाल के बाद 10 अरब डॉलर की सतह से भी नीचे आ चुके हैं, आलमी रेटिंग एजेंसी का मुआक़िर। आलमी क्रेडिट रेटिंग में मुस्तहकम के बजाय मनफी दर्जा। ना अहल लीग की नालायकियों से पाकिस्तानी मईशत को एक और झटका लग गया। इंपोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्की इकॉनमी का कबाड़ा कर दिया है, मोनस इलाही का ट्वीट। रिजीम चेंज की मुबैना साजिश। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने से आने वाला साइफर साबिक वजीर आजम या वजीर खारजा से छुपाने की इतलात बेबुनियाद। दफ्तर खारजा पेशा वराना बुनियादों पर काम करता है, इस वर्किंग पर शकुक व शुबहात तबाहकुन होंगे, तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। तवानाई बहरान से निमड़ने के इकदाम। सिंध में मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत। रेस्टोरेंट्स और चाय खाने 11 बजे तक ओपन रहेंगे। लाहौर की मकामी अदालत ने पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा को दारुल अमान भिजवा दिया। इजाजत के बगैर किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। कराची में एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म। और 3 मुल्की सीरीज। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की आयरलैंड को 13 रन से शिकस्त। 26 रन और 1 विकेट की ऑलराउंड कारकर्दगी पर निदा डार प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। बारिश से मुतासिरा मैच का फैसला डकवर्थ लुइस कानून के तहत हुआ।